मुंबई बीएमसी वार्ड 152 की नगर सेविका और एम वेस्ट प्रभाग समिति अध्यक्ष आशा मराठे के नेतृत्व में सुभाष नगर के पुनर्निर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन अध्यक्ष अखिलेश गौड़ और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शिरवाड़कर के हाथों हुआ। इसी दौरान केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना कोविड-19 का शुभारंभ भी किया गया, जिसके तहत गटई कामगार और हॉकर्स जैसे लोगों को 10,000 रुपये का कर्ज स्वरूप सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह जानकारी हॉकर्स नेता और चर्मकार समाज नेता सुभाष मराठे ने दी। सर्वप्रथम मी आशाताई मराठे यांचा अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वनिधी योजना जी केंद्राची आहे ती राबवण्याचा शुभारंभ खऱ्या अर्थाने मुंबईमध्ये जर कोणी केला असेल तर आशाताई मराठेने केलेला आहे। काल उशिरापर्यंत त्यांची तयारी सुरू होती आणि जवळजवळ 150 ते 200 फॉर्म त्यांनी आज इथे भरून घेतलेले आहेत आणि ते ऑनलाईन आता ते भरले जाणार आहेत। बँक ऑफ बडोदाचे खूप अधिकारी इकडे आलेले आहेत आणि शहीद भगतसिंग ही जी युनियन आहे हॉकर्स युनियन त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील मी आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो की जे अभिप्रेत असलेलं अंत्योदय म्हणजे समाजाच्या शेवटच्या वर्गापर्यंत पोहोचण्याचं काम जे माननीय पंतप्रधानांनी आणि त्यावेळचे आमचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचं जे स्वप्न होतं ते साकारण्याचं काम ही सगळी टीम करत आहे आणि ह्या योजनेअंतर्गत मुंबईतील सर्व हॉकर्सना सुरुवातीला 10,000 धनादेश देण्याचं काम होणार आहे आणि त्याचाच आजचं हे शुभारंभ झालेलं आहे। मी ह्या सर्व टीमला मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो। आत्मनिर्भर योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे आणि ह्या योजनेचा आज आपण चेंबूरमधून शुभारंभ केलेला आहे आणि ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे जिल्हा अध्यक्ष माननीय श्री राजेश शिरवाडकर आहेत, आमचे मंडळ अध्यक्ष काही कारणामुळे येऊ शकले नाहीत आणि आमचे वॉर्डचे अध्यक्ष अनिकेत चव्हाणसुद्धा इथे आलेले आहेत आणि हे सर्व राबवताना हॉकर्स म्हटलं की आमचे हॉकर्सची युनियन आहे आणि ह्या हॉकर्सचे अध्यक्ष आहेत सन्माननीय मराठे साहेब बद्री आलमजी सलीम शेख ऋषिकेश अडांगळे असे खूप सारे ही टीम आहे आणि त्याची मीही सेक्रेटरी आहे। तर ह्या आम्ही ह्या टीमद्वारे 8 दिवस 8 महिना झालं आम्ही सर्वांना पॅम्पलेट वगैरे वाटलेले आहेत आणि त्याचमुळे आज ह्या 100 ते 200 फॉर्म भरून आलेले आहेत। खूप सर्व लोकांना ही योजना केंद्र सरकारची आहे की माहीतच नव्हती आणि त्याच्यामुळे सर्वांना नंतर आम्ही सांगितलं की हे आमचे आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींची ही योजना आहे, ही केंद्र सरकारची योजना आहे आणि ह्या योजनेचा सर्वांनी लाभ घ्यावा कारण ही योजना महानगरपालिकेला आम्ही लेटर दिल्याच्या नंतरसुद्धा जाग आलेली नाही। आमचे गटनेते प्रभाकर शिंदे साहेबांनीसुद्धा माझं लेटर हे करून त्यांनीसुद्धा लेटर दिलेलं आहे, तरीसुद्धा त्याच्यानंतर मी वॉर्डमध्ये हे शहीद भगतसिंग युनियनचे सर्व अधिकारी भेटायला गेले एम वॉर्डला, त्याच्यानंतर त्यांना सांगितलं तर त्यांनाही ते माहितीच नव्हतं। मग मी आयुक्तांना लेटर दिल्याच्या नंतर थोडी हालचाली झाली परंतु तिथे फक्त जे हे हॉकर्स आहेत की ज्यांना त्यांनी परमनंट केलेले हॉकर्स आहेत त्यांची नोंदणी केलेली आहे त्यांनाच ते देण्याच्या तयारीत आहे, परंतु ही योजना ही आपली सर्व हॉकर्सला द्यायची आहे आणि ही योजना ही केंद्र सरकारचीच आहे आणि हे योजनेचा सर्वांनी केंद्र सरकारच्या योजनेनी सर्वांनी लाभ घ्यावा अशी मी सर्वांना विनंती करते। जय हिंद जय महाराष्ट्र। पंतप्रधान पतविक्रेता आत्मनिर्भर योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये सिर्फ फेरीवालों के लिए है, बात बराबर है, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे फुटपाथ पे गटर के बाजू में जो बैठने वाला पुराने जूते सिलाने वाला जो चर्मकार है मोची जिसे बोलते हैं वो भाई जिसका जो अपंग है जिसका स्टॉल है अपंग स्टॉल धारक है वो भाई हमारा या वो भगिनी ये इन तमाम जो रोड के ऊपर अपना सामान बेच के उधर निर्वाह करते ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों को खड़ा करने के लिए ये प्रधानमंत्री योजना या लागू करने का काम हमने चेंबूर में सबसे प्रथम यहाँ की चेंबूर की नगर सेविका आशा मराठे मैडम प्रभाग समिति अध्यक्ष आशा मराठे मैडम उनके नेतृत्व में ये चालू किया है।
इस योजना के तहत आप देखेंगे कि यहाँ महाराष्ट्र की सरकार को पिछले चार महीने से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन और चर्मकार विकास संघ की तरफ से, लेकिन कोई भी यहाँ जगने को तैयार नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक बाजू में वो अपने उसमें क्वारंटाइन है, लेकिन महापालिका भी उतनी सोई हुए। पिछले 25 साल से इस महापालिका में जिन पार्टियों की सत्ता है, वो पार्टी के सत्ताधारी भी यहाँ इस योजना से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। मराठे मैडम ने पिछले 1.5 महीने से कमिश्नर को पत्र लिख के मांग की है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये तुरंत लागू किया जाए। आपको मालूम है कि ये योजना के तहत जो पिछले कोविड के पिछले साढ़े चार महीने से जो घर में बसे हैं, जिसके ऊपर भूखमरी, आज वो भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। पिछले 4 महीने से उनको राहत मिली नहीं है, और आगे जाके अपना अभी थोड़ा शिथिलता, जो लॉकडाउन में शिथिलता आई है, उसमें अगर आगे अपना कारोबार व्यवहार चालू करना है, कुछ धंधा करना है, तो उनके पास कोई भी पूंजी नहीं है। ऐसे हालत में पूंजी कौन देगा? तो ये जो लोग हमारे फेरी वाले बांधव है या गटई कामगार है या अपंग स्टॉल धारक है, ये किसी ना किसी साहूकार और मनी लेंडर के पास जाते हैं, 30-30% से 35-35% से पैसा लेके अपना व्यवहार उधर वो अपना धंधा चालू करने का काम कर रहे हैं। और इस परिस्थिति में जबकि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 4 महीने से ये योजना तय की है, जाहिर की है, 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने कोविड के तहत जाहिर किया है, उसका बहुत सा बड़ा हिस्सा जो रोज कमा के खाने वाले फेरी वाले और हमारे तमाम गटे कामगार और उन बांधवों के लिए है जो देश के कहीं करोड़ की तादाद में है, जो रोज कमा के रोज खाने वाले, जिसका रोज उसी के ऊपर गुजरान चलता है, ऐसे लोगों के लिए बड़ा तबका इस योजना के तहत प्रावधान किया है। दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में और इस मुंबई महापालिका ने इसका गंभीर समझा नहीं, इसके लिए हमें खुद आके हमारी शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन और चर्मकार विकास संघ मुंबई प्रदेश, और अभी तो महाराष्ट्र में भी चर्मकार विकास संघ पूरी जिला महाराष्ट्र के तमाम 30 जिलों के अंदर उन्होंने थाम लिया है कि हम खुद आगे आके गवर्नमेंट करे या ना करे, वहाँ की लोकल नगरपालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर पालिका कुछ करे या ना करे, लेकिन खुद हम आगे आके बैंक से टाइप करके हम खुद आके जिम्मेदारी लेके वो जो लोन देंगे, वो लोन का रिकवरी का जिम्मेदारी भी हमारे सर पर लेके, हमने वो जिम्मेदारी लेके आज जो हम आत्मनिर्भरता योजना अमल में लाने का काम अभी जारी किया है, और उसी की पहली कड़ी, और आज चेंबूर में भी आप देख रहे हैं या मुंबई में देख रहे हैं कि सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ मराठे मैडम के नेतृत्व में, नगर सेविका मराठे मैडम के नेतृत्व में ही चेंबूर में से हुआ है, इसका हमें गर्व है। इस अवसर पर बीजेपी वार्ड अध्यक्ष अनिकेत चौहान सहित बीजेपी पदाधिकारी और बैंकों के भी लोग मौजूद थे। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।